नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत। पेश हैं आज की प्रमुख खबरें। इक्कीस जून को एक साथ योग कर विश्व कीर्तिमान बनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21 जून को देश भर में एक ही समय योग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और विविधता में एकता ही हमारे देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन कोई इवेंट नहीं बल्कि स्वभाव को बदलने का प्रयास है। हम गलती से भी गंदगी न करें। भारत की समृद्ध विरासत में यदि स्वच्छता भी जुड़ जाएगी तो पूरी दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल जाएगा। किरण बेदी ने पूछा अरविंद केजरीवाल से सवाल। दिल्ली में भाजपा की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है। किरण ने आज सवाल किया कि यदि वे भाजपा के लिए सॉफ्ट थी तो केजरीवाल ने क्यों उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया। दूसरी ओर भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अरुण जेटली समेत केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके बावजूद एबीपी नीलसन सर्वे में भाजपा पिछड़ती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 50% वोट मिल सकते हैं जबकि भाजपा 41% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रह सकती है। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली का मृत्युदंड उम्र कैद में बदला। बहुचर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत दे दी है। अदालत ने कोहली का मृत्युदंड उम्र कैद में बदल दिया है। कोहली को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसके और एक संगठन द्वारा दायर की गई याचिका पर अदालत ने यह फैसला दिया है। हालांकि कोहली की याचिका का प्रदेश के महाधिवक्ता वीरबी सिंह और शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने विरोध किया था। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों में 76 आतंकवादी ढेर। अशांत पश्चिमोत्तर कबायली क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के दो अलग अलग हमलों में एक तालिबान कमांडर सहित कम से कम 76 आतंकवादी मंगलवार को मारे गए। सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल असीम सलीम बाजवा ने कहा कि प्रथम हवाई हमले में कुछ विदेशी सहित 53 आतंकवादी मारे गए जबकि दूसरे हवाई हमले में 23 और आतंकवादी मारे गए। वेस्ट इंडीज को झटका, विश्व कप में नहीं खेलेंगे सुनील नारायण। वेस्ट इंडीज टीम की विश्व कप तैयारियों को आज उस समय करारा झटका लगा जब रहस्यमयी स्पिनर सुनील नारायण ने अगले महीने शुरू हो रहे टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार नारायण ने कहा है कि उन्हें अपने नए एक्शन के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे आत्मविश्वास से गेंदबाजी करने में अभी समय लगेगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।